अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये रोज़ा है जनाब ज़ैद शहीद इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त शाम हो रही है और आज काफ़ी मुसलसल ज़्यारतें की। सुबह 7 बजे से मुसलसल सफ़र पे हूँ। आप भी ज़्यारत कर लीजिए जनाब ज़ैद की, ये कब्र मुबारक है, ये रोज़ा बना हुआ है जनाब ज़ैद शहीद का और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। अंदर ज़रिए मुबारक है, उसके ज़रिए की भी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा। और ये हरम है जनाब ज़ैद शहीद का, कर्बला इराक़ में नजफ़ के रास्ते में है ये, और मैं यहाँ से नजफ़ के लिए रवाना हूँ इंशाअल्लाह ताला। खैर आफियत के साथ 16 मार्च को वतन पहुँचूँगा। आज मुसलसल सफ़र में हूँ, कई जगह सफ़र किया और अब यहाँ से सीधा मैं नजफ़ मनाली के रोज़े पर पहुँचूँगा। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जनाब ज़ैद का रोज़ा है, ज़ैद शहीद का रोज़ा, ये हरम मुबारक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जनाब ज़ैद शहीद की कब्र मुबारक इसी में मौजूद है, इसी रोज़े के अंदर। अभी अंदर होके आया हूँ मैं। और ये जो आप रोज़ा देख रहे हैं, ये मेरे पीछे रोज़ा है जो हरम है, ये इसी के नीचे जनाब ज़ैद की ज़रिए मुबारक है, कर्बला इराक में। परवरदिगार आप सभी को ज़ियारत नसीब करें और दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि हमारी ज़ियारतों को कबूल करें। और जो मोमिनीन ज़ियारतों के मुश्ताक हैं, हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं, परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द हज और ज़ियारतों का से मुशर्रफ़ करें, उनकी ज़ियारतें हों, जल्द अज जल्द ज़ियारतें हों उनकी। जनाब ज़ैद शहीद के मज़ार पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शाम हो रही है, आज मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ हवाएं, पूरा रेतीला तूफान था बहुत ज़्यादा। जनाब ज़ैद शहीद का रोज़ा आप देख लीजिए, ज़्यारत कर लीजिए।